दोस्तों अक्सर आपने एक चीज जरूर देखा होगा कि मार्केट में पहले के अकॉर्डिंग अब जो है भीड़ भाड़ बहुत कम हो जाती है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज के टाइम में लोग घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और कम प्राइस पे उनको एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप घर बैठे फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन ऑर्डर करके एक अच्छा प्रोडक्ट कम प्राइस पर मंगा सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हम सफर टेक में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर दें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और कमाल की वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों हम डायरेक्टली चलते हैं अपने मोबाइल फोन पे और आपको बता देते हैं कैसे आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से ऑर्डर बुक करना है। दोस्तों फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पे स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने फ़ोन पर फ्लिपकार्ट की यहाँ पर सर्च करना है। फ्लिपकार्ट की ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है यहाँ पर आपको डाउनलोड करनी है और जब ये डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद आपको इसको ओपन करना होगा। और जैसे दोस्तों आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं यहाँ पर आपके सामने पूछा जाता है कि आप यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी सेलेक्ट करोगे, भाषा, तो यहाँ से आप हिंदी या इंग्लिश कर सकते हैं। यहाँ पर उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे और जैसे दोस्तों आप कंटिन्यू करते हैं यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर यहां पर फिल करना होगा। चाहे तो आप यहां पर अपना ईमेल आईडी भी यूज कर सकते हैं, यहां पर ईमेल आईडी पर क्लिक करेंगे तो इजीली आप ईमेल आईडी का भी यूज कर पाएंगे। चलिए हम यहां पर जो है अपना फोन नंबर का यूज कर लेते हैं मोबाइल नंबर का और यहां पर सबसे पहले आप मोबाइल नंबर यहां पर फिल करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर सेंड ओटीपी आएगा और ओटीपी ऑटोमेटिकली यहां पर डिटेक्ट कर लेगा और आपका एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ओटीपी आया और यहां पर ऑटोमेटिकली हमारा एप्लीकेशन लॉगिन हो चुका है फ्लिप कार्ड का। अब दोस्तों आपको कोई भी सामान अगर आप परचेस करना है तो यहां पर आपको ऊपर जो है फिल्टर दिख जाते हैं, यानी कि आपको कैटेगरी दिख जाती है फैशन की, मोबाइल की, इलेक्ट्रॉनिक सामान की और बहुत सारी। अगर आप चाहते हो सर्च करना तो आप डायरेक्टली यहां पर सर्च कर सकते हैं। अब मान के चलो आपको कोई मोबाइल फोन लेना है तो आप यहां पर जो है यहां पर इस तरीके से मोबाइल फोन सर्च कर सकते हैं, मोबाइल्स। तो यहां पर आप सर्च करेंगे तो यहां पर बहुत सारे अलग अलग मोबाइल फोन आपके सामने आ जाएंगे। यहां पर आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, आप इसको करेंगे और अलाउ कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं बहुत सारे फोन आ चुके हैं। अब दोस्तों अगर मान के चलो आपको यहां पर फोन परचेस करना है, लेकिन मैं आपको सबसे पहले एक ट्रिक बताता हूं फोन को परचेस करने की। आप उसी फोन को परचेस कीजिएगा जिसके रिव्यू सबसे ज्यादा हो और जिसकी रेटिंग सबसे ज्यादा हो। यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर रेटिंग्स है 4.5 और यहां पर 131,482 लोगों ने रेटिंग करी इस फोन को, यानी कि यह फोन अच्छा है। और आपको जो भी फोन पसंद आता है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों मान के चलो आपको Redmi का ये फोन परचेज करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें आपको चेक करना होगा कि इसमें कैश ऑन डिलीवरी यहां पर अवेलेबल है या नहीं। आपको नीचे आना, यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, यानी कि आपको कैश ऑन डिलीवरी मिल सकता है। घर बैठकर आप जो है पैसे दे सकते हैं जब आपको प्रोडक्ट मिलेगा। अब आपको जो जो सामान खरीदना है आप यहां से ऐड करते जाएंगे ऐड टू कार्ट। अगर आपको एक ही सामान खरीदना है तो आप यहां पर बाय नाउ करेंगे। अगर आपको एक से ज्यादा फोन खरीदने हैं या फिर कुछ भी खरीदना है तो यहां पर आप ऐड टू कार्ट करेंगे और जो भी आप यहां पर ऐड टू कार्ट करेंगे वो आपका यहां पर ऊपर सेफ होता रहेगा, यहां पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहां पर आप अगर दूसरा भी प्रोडक्ट यहां पर परचेज करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। इस पर भी आप चेक कर लेंगे कैश ऑन डिलीवरी है तो उसके बाद इसको भी आप यहां पर ऐड टू कार्ट पर क्लिक कर लेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं इसके बाद दोस्तों आपको ऊपर यहां पर कार्ड दिख रहा होगा जो भी आप सेव करते हो। यहां पर आपका जितने भी आपने कार्ड में सेव किए हैं आपको यहां पर आइटम दिख जाते हैं। जैसे हमें एक साथ दो आइटम खरीदने हैं तो हमने यहां पर ऐड किए थे और यहां पर आपको उसके बाद यहां पर नीचे प्लेस ऑर्डर का एक ऑप्शन दिखेगा, बस आपको क्लिक करना होगा। और जैसे दोस्तों आप क्लिक करते हो उसके बाद आपका यहां पर एड्रेस दिख जाएगा। यहां पर चाहे तो आप यहां पर चेंज कर सकते हैं। चलिए हम यहां पर एक नया एड्रेस फिल कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। और जैसे दोस्तों आप क्लिक करते हैं यहां पर आपको एड ए न्यू एड्रेस का ऑप्शन दिखेगा, आप यहां पर कंटिन्यू करेंगे और यहां पर आपका पिन कोड नंबर ऑटोमेटिकली ले लेगा। अगर आपको पिन कोड नंबर नहीं पता तो आपके आधार कार्ड के पीछे लिखा होगा या फिर आप जो है अपना एरिया का अपना जो है पिन कोड नंबर यहां पर फिल कर लेंगे। उसके बाद यहां पर आप जो है हाउस नंबर फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, यहां पर अपना रोड कॉलोनी डाल सकते हैं, उसके बाद सिटी, आप यहां पर अपना स्टेट और लैंडमार्क आप वो जगह डाल सकते हैं जो आपके घर के आसपास थोड़ा फेमस है ताकि आपको आपके घर के एड्रेस पर आने में आसानी हो जो भी डिलीवरी बॉय होता है। यहां पर अपना नाम फिल करेंगे, यहां पर अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, यहां पर आप अल्टरनेट यानी कि दूसरा नंबर दे सकते हैं और यहां पर जहां पर भी आप सामान मंगाना चाहते हो वो एक घर है
या फिर ऑफिस है आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अगर घर है तो आप यहाँ पर होम पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप सेव करेंगे। जैसे दोस्तों आप सेव करते हैं उसके बाद आपका एड्रेस इस तरीके से आ जाता है। अब आपको यहाँ पर इसको कंटिन्यू करना होगा नीचे से, और यहाँ पर जैसे आप कंटिन्यू करते हैं उसके बाद दोस्तों आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाता है यहाँ पर पेमेंट का। यहाँ पर आपको बहुत अलग अलग तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे, यहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि आपको यहाँ पर फ्लिपकार्ट की तरफ से भी आपको एक लिमिट मिलती है, और उसके अलावा यहाँ पर आपको फोन पे, उसके अलावा UPI हो गया और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि इस झंझट में ना फंसो, यानी कि अगर आप चाहते हो कि मैं घर पर आके पैसे दूं डिलीवरी बॉय को तभी मुझे सामान मिले, तभी मैं पैसा दूं हैंड टू हैंड, और यहां पर आपको कैश ऑन डिलीवरी क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करते हैं यहां पर आपको प्लेस ऑर्डर करना होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं होता है, तो यहां पर आप वो जरूर चेक करिएगा। अगर यहां पर हाइड होगा या क्रॉस मार्क होगा, इट मींस कि आपको यहां पर अपने ATM कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हो। बस आपको यहां पर ATM डेबिट कार्ड यानी कि क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करना होगा, और उसके बाद आप जो है अपने ATM कार्ड की डिटेल डालेंगे और आपका ऑर्डर हो जाएगा। और यहां पर आपको कैश ऑन डिलीवरी करना है तो प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर कंफर्म करना होगा ऑर्डर को, तो यहां पर ये नंबर जो लिखा हुआ है उसको आपको नीचे लिखना है और यहां पर कंफर्म ऑर्डर करना है। जैसे दोस्तों आप वेरीफाई करेंगे यहां पर आप देख पाएंगे आपका यहाँ पर ऑर्डर सक्सेसफुली हो चुका है, और इस तरीके से आप इजीली ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपको दोस्तों ऑर्डर चेक करना है तो आपको बैक आना होगा, और जैसे आप बैक आएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर बैक आके होम पर आना होगा, और यहाँ पर अगर आप अपना ऑर्डर को चेक करना चाहते हैं यहाँ पर आपको 3 लाइन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे यहाँ आपको क्लिक करना होगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं माई ऑर्डर में आपको जाना है, और जैसे आप यहाँ पर माई ऑर्डर में जाएंगे यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपने जो जो ऑर्डर किया था आपको यहाँ पर दिख जाएगा, और आप इजीली यहीं से इसको ट्रैक भी कर सकते हो। चलिए हम इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, और यहां पर देख सकते हैं हमने यहां पर ऑर्डर किया था अभी 2 फोन, तो यहां पर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहां पर एक ट्रैक का ऑप्शन दिखता है, यहां पर आप क्लिक करेंगे और आपका इजीली आइटम यहां पर ट्रैक होता जाएगा कि आपका आइटम कहां कहां आया है। अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हो तो आप इजीली कैंसिल भी कर सकते हो, बस आपको यहां पर कैंसिल पर क्लिक करना होगा और यहां पर जो है कैंसिल आइटम पर क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे यहां पर आपको रीजन को सेलेक्ट करना होगा, क्या वजह रही है कैंसिल करने की। यहां पर जो है इसके अलावा आप जो है यहां पर सबमिट कर देंगे रिक्वेस्ट, और यहां पर आपका ऑर्डर जो है कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहां पर इजीली फ्लिपकार्ट के थ्रू ऑर्डर कर सकते हो। आई होप दोस्तों आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करना सीख गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी सीख जाए कि कैसे उनको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट के थ्रू ऑर्डर करना है। और दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर देना, मैं आपको टाइम टू टाइम उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और कमाल की वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।